नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। महाराष्ट्र में सियासी संकट को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने चुप्पी तोड़ी है। अपनी पार्टी शिवसेना में तेज होती बगावत के बीच अपने भावुक संदेश में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वे अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। बुधवार को फेसबुक संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं अपना इस्तीफा तैयार रख रहा हूँ। आइए और मुझे बताइए कि क्या आखिर आप क्या चाहते हैं कि मैं पद छोड़ूं? मैं कुर्सी पकड़कर बैठने वालों में से नहीं हूं। ठाकरे ने कहा कि जब सरकार बनी थी तब भी शरद पवार ने मुझे कहा था कि मैं चाहता हूं कि सरकार को तुम ही चलाओ। पवार ने भी मुझ पर भरोसा जताया है, लेकिन अगर मेरे अपने लोग ही मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो मैं क्या करूं? तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि अगर एक भी विधायक कहता है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए तो मैं आज मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं कोई कुर्सी पकड़कर बैठने वाला आदमी नहीं हूं। तो वहीं आपको बता दें कि फेसबुक लाइव के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से मुलाकात की। ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। करीब एक घंटे तक ये बैठक चली, लेकिन बैठक के अंदर आखिर क्या हुआ अभी ये कुछ भी पता किसी को नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि कैसे महाराष्ट्र का ये रण आखिर किस ओर जाता है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तीन मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, रजा रिजवी राजनीतिक विश्लेषक, अवधेश उपाध्याय बीजेपी से, रत्नाकर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले रत्नाकर जी आपके पास आएंगे, आप तो सरकार में हैं, उनके साथ हैं और लगातार शिवसेना ने विचारधारा को तोड़कर आपका साथ दिया, आपने उनका साथ दिया, आपने भी विचारधारा छोड़ी, उन्होंने भी छोड़ी, सरकार बनाई, सरकार बनाने के लिए सब हुआ, लेकिन अब उसी सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। और उद्धव ठाकरे ने जो आज फेसबुक लाइव किया, अब इससे ये पता चल गया कि वो शिवसैनिक तो कतई नहीं है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जब भी कुछ ऐसा होता था तो दहाड़ते थे, आज उद्धव ठाकरे दहाड़े नहीं। ये सत्ता की मजबूरी कह लें या क्या कहें? कह रहे हैं कि हमने अपनी विचारधारा छोड़ी है, तो मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से असहमत हूँ। आप तो बिल्कुल असहमत होइए, आप असहमत हो सकते हैं। हाँ, आपका अधिकार है असहमत होने का। हाँ, लोकतंत्र में अधिकार है असहमत होने का। तो मैं आपकी इस बात से असहमत हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि हमने अपनी विचारधारा छोड़ी है, हमने कहीं पे भी अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी है। पहले भी हम गांधीवादी विचारधारा थे, आज भी हम गांधीवादी विचारधारा के हैं। रही बात महा विकास आघाड़ी की सरकार जो महाराष्ट्र में है, उसमें हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जनता के हित के लिए एक इनिशिएट किया था और तीनों पार्टियों का गठबंधन जो है हम लोगों ने बनाया है और यहाँ पे सरकार जनता के हित के लिए लोग कर रहे हैं, जो कि पिछले बार बीजेपी सरकार जब यहाँ पे थी तो जनता के लिए उन्होंने कुछ विशेष काम किया नहीं। इसलिए हम लोग जनता के हित को देखते हुए हमने गठबंधन करने करने के लिए स्वीकार किया। और रही बात यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की है, जब से वो सत्ता विहीन हुई है तब से उसकी सत्ता की लोलुपता इतनी भयंकर बढ़ गई है कि वो आए इस तरह की घटनाएं करती रहती है। विगत कई सालों में आपने शरद पवार जी का भी बयान सुना होगा कि तीसरी बार इस तरह का प्रयास है इनका कि यह है गठबंधन को तोड़ दिया जाए, पार्टी में फूट कर दिया जाए। इससे पहले भी आपने देखा था कि एनसीपी का किस तरह से इन्होंने विधायकों को तोड़ा था अजीत पवार के साथ, सुबह भोर में राज्यपाल के पास देवेंद्र फडणवीस जी जो है शपथ लिए थे। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है यही दिखाती है और दर्शाती है कि ये जो है सत्ता लोलुपता इनकी इतनी, ये अधीर हो गए हैं सत्ता हासिल करने के लिए कि इस तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। और रही बात दूसरी, जो इनकी केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो केंद्रीय एजेंसियां सब इनके कंट्रोल में है। और आज देखिए जितने भी महाराष्ट्र में ईडी सीबीआई एनआईए की जांच
मंत्रियों के खिलाफ या विधायकों के खिलाफ या सांसदों के खिलाफ होता है, वो कहीं पे भी देश में नहीं होता है। ये इतने अधीर हो चुके हैं कि ये सारे जो यहाँ पे हमारे दल के नेता है, आए दिन किसी न किसी विधायक किसी न किसी मंत्री के यहाँ ईडी का नोटिस आता है। आप देख लीजिए, स्वयं मुख्यमंत्री के परिवार के ऊपर ही ईडी का नोटिस आया था, अजीत पवार जी के ऊपर ईडी का नोटिस आया था जो उप मुख्यमंत्री है, और संजय राउत जो इतने बड़े नेता है, शिवसेना के मनी लॉन्ड्री का 1000 का केस कर रहे हैं, 1000 करोड़ का। तो इस तरह जो है ये बहुत सारी चीजें करती रहती है भारतीय जनता पार्टी, और उसी जो है उसी का एक हिस्सा है ये। आज जो महाराष्ट्र में ये चल रहा है भूचाल, इसको मैं कहूंगा, और उसी का एक हिस्सा है। ये चाहते हैं कि इन केंद्र प्रकरण सत्तासीन हो, और किसी भी तरह लालच देकर, चाहे किसी भी तरह, अब देखिए गुजरात लेके गए, गुजरात से फिर गुवाहाटी लेके चले गए। अरे भाई, आपको अगर इतनी ही नाराजगी है अपने दल से, जैसा कि मुझे कहने का, शिवसेना को कहने का कुछ हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक अलायंस पार्टनर की तरफ से एक जरूर मैं अपने वक्तव्य रख सकता हूँ कि अगर आपको ज्यादा ही अगर चिंता वहाँ पे है तो आप आइए ना, उद्धव जी से बात करिए, आपको क्या परेशानी है। उद्धव जी ने तो स्वयं कह दिया है कि मेरे पास इस्तीफा जो है फ्री रखा हूँ, आइए और लेके जाइए, दे दीजिए अगर मेरी बातों से सहमत है। तो इस तरह की चीजें है ना जो वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है, दिखाती है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो सत्ता लोलुप हो चुकी है, और वो किसी भी हद तक जाएगी सत्ता में बने रहने के लिए, उसका ही एक ये भाग है। और जिस प्रकार आपने देखा कि अजीत पवार में भी के टाइम पे भी ये सफल नहीं हो पाए थे, उसी प्रकार इस बार भी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर इनके पास संख्या बल है तो शिंदे साहब सारे लोगों को लेकर के राज्यपाल पहुंचे और वहां पे कह दें कि हमारे पास संख्या बल है और उनके साथ मिलकर सरकार बनाए, लेकिन इनके पास संख्या बल भी नहीं है। ये तो सिर्फ मीडिया में और स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, हमारे पास इतने विधायक, हमारे पास उतने विधायक। अरे भाई, आपके पास है तो आप सरकार बना लीजिए, अगर नहीं है तो आपकी नाराजगी क्यों है? शिवसेना के पास जाइए और बैठ कर बात करिए। आपको लगता है कि अगर उद्धव जी आपकी बात सुनेंगे तो आप निश्चित रूप से जाइए? भारतीय जनता पार्टी थोड़ी आपकी बात गुवाहाटी में सुनेगी, उसके केंद्र के भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में वहाँ पे बैठे हैं आप, वो थोड़ी आपको सुनेंगी। वो तो ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा। रत्नाकर जी, अवधेश जी, आपके मन में तो लड्डू फूट रहा होगा, और अरे सर कैसी बात करते, कुछ तो हाँ किया कर लिया कीजिए, कभी कभी तो हाँ कर लिया कीजिए, ऐसे भी क्या इतना मत छुपाया कीजिए कि लोगों को जाहिर हो जाए, ठीक है ना। मैं ये कह रहा था आपसे कि क्या करने वाले हैं महाराष्ट्र में, क्या शिवसेना का तीर कमान निशान छीन कर राज ठाकरे को देने वाले हैं क्या? ये सब आपका किया धरा है। मैंने अभी रत्नाकर भाई को सुना, इनकी जो ये क्योंकि ये इनके जो युवराज हैं उन पे ईडी जांच बैठी हुई है। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है, मैंने क्या सवाल आपसे किया है, मैंने सवाल क्या किया है आपसे अवधेश जी? हाँ, अच्छा, पहले कांग्रेस के लिए दो चार बात कहेंगे फिर आएंगे, ठीक है, ये रिवाज है आपके यहाँ, ये आपके यहाँ रिवाज है, ये भाजपा में रिवाज बन गया है, पहले कांग्रेस पे चार लाइन बोलेंगे फिर सवाल के जवाब देंगे, ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, अरे बोलिए सर, अरे बोलिए बोलिए बोलिए, चंद्रशेखर जी देखिए उन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूँ। नहीं नहीं बोलिए, तो ये तो इस समय बौखलाहट इसलिए है क्योंकि इनकी जो पूरी पार्टी है वो बैलगाड़ी पर बैल पे सवार है, सारे बैल पर है, सारे भ्रष्टाचार में लिप्त है, ठीक है। अब इन्होंने एक बात कही कि सारी एजेंसियां बीजेपी के पास, अरे भाई एजेंसी अपना काम नहीं करे क्या? हर चीज में बीजेपी, घर में कोई लड़ाई हो रही है कि बीजेपी, कोई नेता जा रहा है तो बीजेपी, ठीक है, कोई नेता आ रहा है तो बीजेपी, अरे भाई सपने में भी बीजेपी आ रही है कांग्रेस के, तो हर जगह बीजेपी बीजेपी बीजेपी, वो लगता है इतना तो ये अपनी पार्टी का गुणगान नहीं करते हुए जितना बीजेपी गुणगान कर देते हैं कांग्रेस के नेता। अब रही शिवसेना की बात, अरे भाई उनकी अंदर की बात है, उनकी अपनी आंतरिक मामला है, ठीक है, अपनी एक विचारधारा से कोई पार्टी चलती है, कोई एक परिवार होता है, परिवार में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो बंदा कहाँ जाता है? बाहर वाले आते हैं उसे फैसला करवाने, जो अच्छा लगता है, जिसका अच्छा फैसला लगता है उसके साथ वो हो जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? अभी तो उनकी घर की लड़ाई है ना, उसमें किसी पर आरोप प्रत्यारोप करना, जैसे कि रत्नाकर जी कह रहे थे कि लोलुपता है सत्ता की, बीजेपी को कभी लोलुपता नहीं रही, तो चाहे हमारे एमपी रहे हो तब भी लोलुपता नहीं रही, आज पूरी पूर्ण बहुमत से सरकार है बीजेपी की तब भी हमें लोलुपता नहीं है। हम चाहते हैं कि जनता को सुख सुविधा दे सके,
हम चाहते हैं कि जनता को ऐसा क्या चलो करें, अब ये एजेंडा एजेंडा तो बता लेना। अरे भाई सुनो, एजेंडा तो आप बता देना, मैं ये कह रहा हूँ और मैं बात बता रहा सुनिए, बात सुनिए, आप बात सुनिए। सवाल 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 का जवाब, सवाल ये है कि ये जो शिवसेना का निशान है, क्योंकि आप अब सत्ता हासिल नहीं करना चाहते महाराष्ट्र में, ये साफ हो गया है, अब तो आप चाहते ये हैं कि ये जो शिवसेना का निशान है, ये जो शिवसेना का नाम है, इसको छीन कर एकनाथ शिंदे के बहाने राज ठाकरे को सौंप दिया जाए। एकनाथ शिंदे ने बहुत बड़ी गद्दारी की, उन्होंने इतनी बड़ी गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है गद्दारी की एकनाथ शिंदे ने? अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, वो आएंगे नहीं हमको, लेकिन हम लोग हमारे साहब के साथ हैं। आदेश पाळतो नेहमी, आमच्या साहेबांचा आदेश पाळणार आम्ही, आम्हाला साहेब जे सांगतील आम्ही करणार। क्या लग रहा है शिवसेना को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है किसी पक्ष के द्वारा? वो अभी हम लोग नहीं बोल सकते, जब साफ पर सब खुलासा होगा तभी मालूम पड़ेगा। अवधेश जी आप देख रहे थे इस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के इमोशनल अत्याचार के बाद लगातार उनके पक्ष में बयान आ रहे हैं, लेकिन अब उनको क्या पता बेचारे भोले भाले सैनिकों को कि हुआ क्या है दरअसल। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि ये जो शिवसेना का नाम और निशान ये छीन कर क्या राज ठाकरे को देने वाले हैं क्या? देखिए बीजेपी कभी किसी से कोई चीज छीनने की कोशिश नहीं करती, ना छीनती है, ये खुद तो दे देता है, इतना मजबूर कर देते हैं खुद दे देता है। अब मैं बताऊं आपको, मैं बोलूं कुछ अगर आपकी इजाजत हो तो? बोलिए। देखिए ऐसा है महाराष्ट्र में जो इस समय महाराष्ट्र अघाड़ी जो विकास जो सरकार है वो जो वहाँ जो हो रहा है जो पूरा देश देख रहा है वो उनके कर्मों का फल है। जिस तरह से एक लड़की का जिस तरह से एक लड़की का घर तोड़ा गया और उस लड़की ने कहा, बॉलीवुड एक्टर ने कहा कि ये जो जैसे मेरा घर टूटा है ऐसा ही एक दिन का घमंड टूटेगा, उसी तरह से एक महिला। ठीक है मैं रोकना चाहूंगा आपको इस समय। देखिए त्रिशूल जी, मैं बात कर रहा था अधूरी रह गई थी, मैं बताऊं आपको। देखिए जो इस समय महाराष्ट्र में चल रहा है शिवसेना के साथ जो चल रहा है वो उनके कर्मों का फल है। जिस प्रकार बेकसूर साधुओं की हत्या हुई, प्रशासन खड़ा खड़ा देखता रहा। दूसरी बात, जिस तरह से एक बेकसूर पत्रकार को जेल में डलवाया गया, काले पानी के बराबर से सजा दिलवाई गई। तीसरी बात, एक बॉलीवुड एक्टर का घर तोड़वाया गया। चौथी बात, अभी जो है एक हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए तैयार थी एक सांसद जो है उनके लिए जेल भिजवाया गया। ये सब उनकी बद्दुआएं लगी है महाराष्ट्र सरकार को, जिसका ये फल भुगत रहे हैं आज की तारीख में। देखिए एक, अरे भाई साहब मोदी सरकार को तो दुआ देते हैं रत्नाकर जी, आप पूछिए करीब जाकर जिनको घर मिले हैं, जिनको नल मिले हैं, जिनको शौचालय मिले हैं, जिनको अन्न मिल रहा है, फिर वही महंगाई महंगाई महंगाई। देखो यही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, बात चल रही हो कहीं की और चले जाएंगे कहीं और। ठीक है, गरीब जो है देश का गरीब बताइए, सरकार आप गिरा रहे हैं, सरकार आप वहाँ गिरा रहे हैं, बात आदर्श की कर रहे हैं और लगातार लंबे प्रयास सरकार के वहाँ पे आपको थे, आप कैसी बात करते हैं कभी कभी, थोड़ा बहुत तो सच बोल दिया कीजिए कभी कभी। मैं आऊँगा आपके पास रत्नाकर जी, मैं आऊँगा आपके पास। राजा रिजवी जी, ये निशान और नाम दोनों छीनने के बाद राज ठाकरे को देने की तैयारी चल रही है क्या? चर्चा महाराष्ट्र से हो रही है, यहाँ चर्चा हो रही है जीएसटी पर, नोटबंदी पर और प्रधानमंत्री गिराने पर और ये करने पर, वो करने पर, नहीं समझ पा रहा हूँ कि चर्चा जिस पर आप कर रहे हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही, चर्चा कहाँ से जा रही है? आप जो करंट महाराष्ट्र की राजनीति है उस पर कर रहे हैं। आप देखिए ऐसा है कि एकनाथ शिंदे के पास अभी उतने विधायक नहीं है कि वो एक्सपेल कर सके। अगर एकनाथ शिंदे के पास उतने विधायक होते
तो गुजरात से गुवाहाटी तक लड़ाने की जरूरत नहीं थी, वो गुजरात में ही सब इकट्ठा होते और ये सब राजनीतिक क्रम बहुत तेज होता है जो आने जाने वाले लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। तो अभी अभी एकनाथ शिंदे के पास वो गणित नहीं है कि जो स्पेल कर सके, इसलिए वो वेट एंड सी कर रहे हैं। उनके पास दो निर्दलीय आए हैं और 36 हैं, 46 कहा जा रहा है लेकिन 40 की गिनती कहीं नहीं जा रही है। दूसरा, उद्धव ठाकरे एक महीने से ऑपरेशन करा के वो लोगों से मिल नहीं रहे थे। उत्तर प्रदेश में जब आदित्य ठाकरे आए थे तो साथ में उद्धव ठाकरे को भी आना था, लेकिन वो ऑपरेशन से ऐसे वो थे इसलिए एक महीने नहीं आ पाए। अब उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। हमारा तो ये कहना है कि अगर एकनाथ शिंदे कहते हैं कि हम हिंदुत्व का नारा दे करके आते हैं, छोटे छोटे ऑफिस है उनके, तो शिवसेना बहुत मजबूत है, ऐसा नहीं है। हमें लगता है जो विधायक गए हैं, ये विधायक जो है हमें लगता है दोबारा जीत के भी नहीं आ पाएंगे। आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और ये विधायक अभी गणित पूरी नहीं है, ये आज प्रदर्शन जो हो रहा है सड़कों के ऊपर, इसमें 8-10-20 विधायक आ जाएंगे, देख लीजिएगा। आपको राज की बात बता दूं आपको, अरे आपको राज की बात बता दें, अगर एक शिंदे गए हैं तो एक शिंदे चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, वहाँ फर्नांडिस चीफ मिनिस्टर बनेंगे। वो बीजेपी के नेता है और वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने अपना काम करके दिखाया है महाराष्ट्र के अंदर। तो अगर एक शिंदे जाएंगे तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। और उद्धव ठाकरे की समझदारी है, शिंदे जब हिंदुत्व का नारा दे रहे हैं, कभी भी बाल ठाकरे ने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया अपनी जिंदगी में, या ऐसा है उद्धव ठाकरे नहीं लिया, उनके बेटे ने कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, कभी मंत्री नहीं बने। तो कहना चाहिए एक शिंदे तुम आओ, तुमको मैं चीफ मिनिस्टर बनाता हूँ, बीजेपी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगी। लेकिन अब देखिए क्या होता है, अगर गणित होती तो अब तक सब हो चुका होता और ये सब मामला फ्लोर पे टेस्ट होगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसा नहीं है, राज्यपाल के पास जाएंगे, राज्यपाल कहेगा फ्लोर पे टेस्ट करो, इनके पास वहाँ स्पीकर है नहीं, डिप्टी स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर ही फ्लोर पे टेस्ट कराएंगे कि किसके पक्ष में है किसके पक्ष में। तो गणित बहुत उलझा हुआ है, अभी बहुत साफ तस्वीर नहीं है। अभी ना बहुत शिवसेना को खुश होना चाहिए और ना बहुत भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए, अभी तस्वीर फंसी हुई है, साफ तस्वीर नहीं है। अवधेश जी समझ रहे हैं? जी समझ रहे हैं। अब ये जीएसटी वीएसटी का जिक्र ना कीजिएगा, अब सीधा महाराष्ट्र की राजनीति पे ही चर्चा कर लीजिएगा। देखिए चंद्रशेखर जी, मैं भी सब समझ रहा हूँ, देश भी सब समझ रहा है और सब देख भी रहे हैं चीज को, पहले महाराष्ट्र ज्यादा समझ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, ये सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, मैं देख रहा है, आप भी देख रहे हैं और रत्नाकर जी भी देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है, क्या हो रहा है बताइए जरा। देखिए शिवसेना जो है, शिवसेना जो शिवसैनिक है, शिवसेना की विचारधारा होती थी एक समय कट्टर हिंदुत्व वाली, और बाला साहब ठाकरे ने खुद कहा था ये वाली बात कि हम जो है कभी भी कुछ भी हो जाए लेकिन कांग्रेस के साथ हम हाथ नहीं मिलाएंगे। ये वीडियो आजकल वायरल हो रही है, आपको भी मिली होगी, भाई ठीक है, हमने बहुत बार सुना है। देखिए शिंदे जी जो है, शिंदे जी कट्टर हिंदुत्ववादी वाली छवि वाले व्यक्ति है, अब उनको क्या कर रहे थे इतने दिन से सरकार में, इतने दिन से क्या कर रहे थे, अरे भाई सरकार में इतने दिन से क्या कर रहे थे ये कट्टर हिंदुत्व वाली छवि वाले मंत्री, सरकार में क्या कर रहे थे इतने दिन से बताइए जरा। मैं वही कह रहा हूँ, जब इन पर देखा, इन्होंने देखा कि कुछ हो ही नहीं रहा, पूरा मतलब हमारी जो पार्टी की विचारधारा है वो बिल्कुल दबती जा रही है, और जो विचारधारा है शिवसेना से जो शिवसेना बन गई वो चलते चलते शिवसेना, उसके आधार पर इन्होंने सोचा समझा तब जाकर उन्होंने डिसीजन लिया और उन्होंने ये बात बोली है कि हमारी जो विचारधारा है इस विचारधारा से मेल नहीं खाती है, इसलिए हम जा रहे हैं, क्या दिक्कत है। अब जब बीजेपी का क्या हाथ है हर बार, भाई आप समझ नहीं रहे हैं, आप बातों को घुमा रहे हैं, आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। बीजेपी का हाथ नहीं है, हाथ नहीं है बीजेपी का, हाथ पैर सिर सब है, सुन लीजिए बात को। देखिए बीजेपी का कुछ नहीं है, ये घर की लड़ाई है, आंतरिक मामला है, विचारधारा की लड़ाई है, इसमें बीजेपी का क्या मतलब है, एक बात बताइए। अच्छा मेरे घर में लड़ाई हो रही है, सवाल तो देखिए, सवाल तो बहुत मुकम्मल है लेकिन जवाब बहुत मासूम है। चलिए कोई नहीं, जवाब बहुत मासूम है, सवाल मुकम्मल है। रजा रिजवी जी, जी रजा रिजवी जी, सवाल तो मुकम्मल है ना? हाँ क्यों नहीं, लेकिन जवाब मासूम है बड़ा जी। जैसा कि कह रहे हैं अवधेश उपाध्याय जी, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा आप बता दीजिए।
देखिए ऐसा है, बीजेपी का लेना, हर जो राजनीतिक पार्टी है वो हमेशा चाहती है कि हम सत्ता में रहें, ये उसकी मंशा रहती है हर राजनीतिक पार्टी की। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर उभर के आई है और जीती है, 105 सीट उसके पास है, तो जाहिर से वो चाहेगी कि सत्ता, हम सत्ता पे रहें। और ये सही है कि सत्ता से पहले जो गठबंधन था उस गठबंधन के हिसाब से शिवसेना के साथ बीजेपी को सरकार बनाना चाहिए, लेकिन शिवसेना ने अपनी बात ये रख दी कि साहब चीफ मिनिस्टर हम बनेंगे, लेकिन संख्या बल 105 अधिक होने की वजह से भाजपा ने कहा कि चीफ मिनिस्टर हमें, हम बने, हमारा बनेगा, यही बात की लड़ाई हुई। अब ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी वहां लगे हुए हैं और जो है क्या कहते हैं गुवाहाटी के अंदर गए, वहां सूरत में भी गए, लोग बीजेपी के बाहर से हैं ऐसा नहीं है, सहयोग कर रहे हैं और सहयोग करना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ चंद्रशेखर जी, बहुत टफ है, बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने भाषण दिया है कि मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ, इससे वहां के जो शिवसेना के जो सैनिक हैं वो बहुत भावुक हो गए हैं, आप समझिए। और शिवसेना के जो सैनिक हैं वो बहुत तेज तर्रार हैं, बहुत काम करने वाले हैं, इसीलिए वहाँ महाराष्ट्र में उनकी जो है बहुत मजबूती से तूती बोलती है। बहुत से विधायक हमें लगता है कि आप देखिएगा कि वो कम से कम 7-8-10 विधायक ऐसे हैं कि ये आ जाएंगे, अगर एक्सटल भर के विधायक नहीं हुए तो ये विधायक विधायकी चली जाएगी इन लोगों की, ये लोग विधायक रह नहीं जाएंगे, आप समझिए। एक्सपेल के लिए संख्या चाहिए, नहीं नहीं और संख्या मैं देखिए आपको बता देता हूँ, मैं जुट नहीं पा रही। लजा रिजवी जी ये मुंबई के विधायक है नहीं, ये उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के विधायक है, जो शरद पवार के प्रभाव का क्षेत्र है, जो जितने विधायक वहाँ हैं। अब ये तो ये महाविकास आघाड़ी जाने, रत्नाकर जी बताएंगे कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये जितने विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं ये उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के विधायक हैं अधिकांश में। रत्नाकर जी जी, मैं बहुत शांति से दोनों लोगों की बातें सुन रहा था, आपके प्रश्न का जवाब तो मैं अभी दूंगा, लेकिन पहले मैं जवाब देना चाहता हूँ हमारे जो अवधेश जी हैं उनके ऊपर। शायद उनकी याददाश्त, मुझे नहीं पता कि वो महाराष्ट्र से हैं कि कहाँ से हैं, लेकिन शायद उनके याददाश्त कुछ भूल रही है। वो तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी नहीं है, वो महाविकास आघाड़ी की सरकार है यहाँ पे, तो अगली बार से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज सुनिए, हमारा सुनिए 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 बोला नहीं। दूसरी चीज ये कह रहे थे कि बड़े अपने आपको जो है सिद्धांतवादी बन रहे थे और कह रहे थे हमारा तो हमारी तो कोई भूमिका ही नहीं, तो चूहा खा के और बिल्ली चली हज को, वही हाल है इनका। मैं प्रमाण देता हूँ, प्रमाण के साथ बात करता हूँ। इनके जो मुंबई के एक नेता है जो पूर्व मुंबई युवा अध्यक्ष भारतीय जनता भारतीय युवा मोर्चा के थे हैं, मोहित कंबोज जी, उनकी फोटो जो है गुवाहाटी होटल में उन सारे विधायकों के साथ देखी गई है जो वहां पे बागी विधायक। तो आप जरा फोटो चाहिए तो मेरे पास जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा, शायद न्यूज में भी आया है। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गुजरात में जो अरेंजमेंट किया गया था वो गुजरात के जो पाटिल साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में उनका नाम है, तो उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया था। तो ये आप किसको बता रहे हैं कि आपका कोई हाथ नहीं है, आप एकदम साफ पाक हैं, आप लोग तो सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि कब सरकार गिरे और कब हम राज्यपाल के पास जाएं दावा पेश करें। तो ये जरा याद रखिए और जरा तथ्यों के ऊपर भी जरा ध्यान दीजिए। दूसरी चीज मैं रिजवी साहब को सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे ये और मैं इनकी बहुत बातों से सहमत भी हूँ। देखिए वहाँ पे त्रिकुल जी के 36 विधायक हैं, वो 36 विधायक में सारे विधायक जो है वो शिवसेना के नहीं है, उसमें से मैक्सिमम विधायक जो है वो शिवसेना के हैं, बाकी दूसरे दल और जो है निर्दलीय विधायक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है शिंदे जी को कि ये सारे विधायक एकजुट हैं और टूटेंगे नहीं हमसे, तो आप यहाँ पे मुंबई में आइए और देखिए कितने विधायक जो है टूट के चले जाते हैं फिर वापिस शिवसेना में, अपने उद्धव ठाकरे जी के पास चले जाते हैं। अरे ये तो आप बहला फुसला के लेके चले गए वहां पे, जिसमें से दो विधायक भाग के भी आए, उनकी वाइफ ने
कुछ एक विधायकों की वाइस ने पुलिस में एफआईआर भी किया है कि 24 घंटे से उनके हस्बैंड से बात नहीं हो पा रही है, वो लापता है। तो इस तरह की तो परिस्थितियां उत्पन्न कर दिया है आपने। तो ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये सारा जो क्रियाकलाप चल रहा है, ये उथल पुथल चल रही है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। देखिए त्रिशूल जी, मैं एक बार और एक चीज कहना चाहूंगा, ये विचार मैं आपका जवाब लूंगा रत्नाकर जी, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। रत्नाकर जी, अभी जैसा कि राजा राजीव जी बता रहे हैं, वो खेला हो नहीं पा रहा है पूरी तरह से। देखिए त्रिशूल जी, ये खेला जो है बहुत मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि इनके पास पहली चीज की संख्या बल उतनी नहीं है कि जो दल बदल कानून इनके ऊपर लागू हो और सारे वैध हो। देखिए दो तिहाई जो अगर विधायक भी ले लीजिए तो 37 विधायक चाहिए इनको, और इनके पास संख्या ज्यादा नहीं है शिवसेना की। तो ये जो है, अगर शिवसेना से बगावत करते हैं तो अंततो गत्वा इनको चुनाव में जाना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की राजनीति ये बिल्कुल जुदा है अन्य प्रांतों की राजनीति से, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में आज 25 साल से यहाँ पे हूँ और मैं लोगों की भावनाओं से और लोगों की राजनीति करने का तरीका से भली भांति जो परिचित हूँ। यहाँ पे लोग बहुत भावनात्मक राजनीति करते हैं, कोई अगर गद्दारी करेगा किसी पार्टी से तो उसको माफ नहीं करते हैं। आप देखिए ये कितना तोड़ने का कोशिश किए, ये कितनी बार तोड़ने का कोशिश की, लेकिन फिर भी एनसीपी भी साथ में है, शिवसेना भी साथ में है, कांग्रेस भी साथ में है, अन्य दल जो मिला के हम लोग 169 सीट संख्या बल के आधार पे हैं। और ये 10-15 अगर टूट भी जाएंगे, 144 का आंकड़ा चाहिए हमको बहुमत साबित करने के लिए, अगर 10-12 विधायक टूट भी जाएंगे तो भी ये सरकार गिरने वाली है नहीं, ये मान के चलिए। मैं उस बात पे आना चाहूंगा, अभी उपाध्याय जी कह रहे थे विचारधारा की बात कह रहे थे कि ये शिवसेना की विचारधारा बदल गई है, इसलिए शिंदे जी है जो है हिंदुत्व का राग अलाप रहे हैं। देखिए त्रिशूल जी, मुझे बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए शिवसेना के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये याद दिलाना पड़ेगा इनको कि जब सरकार बन रही थी तो आपको इतना बड़ा मंत्रालय और इतना बड़ा पोर्टफोलियो दिया गया, उस समय तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं हमारी सरकार नहीं बननी चाहिए, हम हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ रहे हैं। कोई छोड़ नहीं रहा है वैसे, लेकिन ये जो पार्टी छोड़ते हैं लोग या दल बदलते हैं लोग, तो ये बहुत सारी बातें इस तरह की करते हैं। और उस समय ये कहाँ थे, जहाँ पे जब ये सारी चीजें हो रही थी तो उस समय उनको याद नहीं आया। आज ये कह रहे हैं कि फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन जाए, मैं उप मुख्यमंत्री बन जाऊँ। अरे भैया, आपको खुद जो है मतलब सेकेंड जो है पोजीशन आपकी ही है, एकनाथ शिंदे जी की ही शिवसेना में सेकंड पोजीशन है, तो आप तो खुद ही उप मुख्यमंत्री के इक्विवेलेंट है, तो कहीं कहां आपको उप मुख्यमंत्री बनने का लालच जो खाया जा रहा है। आप जो है कहीं ना कहीं शिवसेना की सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार जो है गिराकर और भारतीय जनता पार्टी के स्वार्थ की सिद्धि को करने में लगे हुए हैं, जो कि होगा नहीं। त्रिशूल जी, मैं बता देना चाहता हूँ इन लोगों ने और एक चीज कहना चाहूंगा, अगर 10 सेकंड का टाइम दीजिएगा। इन लोगों ने बहुत बार प्रयत्न किया है इस तरह का काम करने की। आज ये भाई साहब बैठे हैं उपाध्याय जी, जो कह रहे हैं कि हम बड़े सिद्धांतवादी हैं, हम इस तरह का खेल नहीं खेलते। अरे आप लोग कितने बड़े सिद्धांतवादी हैं, जनता के जनादेश का कितना बड़ा आपने सम्मान किया है, वो मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला, वो कर्नाटक में भी देखने को मिला। नोट तंत्र की बदौलत आप लोग सरकार वहां पे हासिल किए और आप लोग खरीद फरोख्त की राजनीति को जिस प्रकार देश में बढ़ावा दे रहे हैं, ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में ही अगर ये खुदा न खास्ते अगर ये फिर से अगर चुनाव हुआ और ये सारे विधायक जो वहां पे बैठे हैं और गए चुनाव में, तो महाराष्ट्र की जनता इनको बहुत बड़ा सबक देगी, ये समझ जाइए। तो आपकी मंशा कहीं पूरी होने वाली है नहीं, और आप खाली वेट एंड वॉच करिए और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखिए। अवधेश जी, अवधोष जी, देखिए राजस्थान में भी नहीं हो पाया खेला, और ऑपरेशन लोटस और यहाँ भी विफल होता लग रहा है। देखिए चंद्रशेखर जी, जैसे कि रत्नाकर जी बोल रहे थे अभी कि सत्ता की लोलुपता कारण करते हैं ये, हर जगह सरकार गिराने की कोशिश करते हैं, खरीद फरोख्त का काम करते हैं। अरे रत्नाकर जी, पहले अपना घर तो संभाल लिया, कांग्रेस पार्टी तो संभाल नहीं रही, उसके लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, हर चीज के आरोप जो है आप बीजेपी पे लगा दो।
चंदिया जी आए बीजेपी लेकर आई, बीच में सचिन पायलट छोड़ के जा रहे थे, बीजेपी ले जा रही है जी, बीजेपी ले जा रही है जी। अरे भाई बीजेपी बीजेपी गा गा के तुम तो बीजेपी अपनी पार्टी भूल रहे हो धीरे धीरे, अपना घर तो डू वही डू हुआ, दूसरों का भी डू हो रहे हो साथ में। अच्छा अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, अरे भाई सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए अवधेश जी, अगर ये एकनाथ शिंदे बीजेपी में आना चाहेंगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। देखिए बीजेपी में हर राष्ट्रवादी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, जिसको राष्ट्र से प्रेम है, भारत माता से प्रेम है, जो राष्ट्र के हित के काम करना चाहता है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं, ये मैं बता दूं आपको। लेकिन राजस्थान में तो नहीं आया कोई, महाराष्ट्र में भी नहीं आया तो? हमने तो नहीं कहा, हमने तो बुलाया नहीं किसी को, हमने बुलाया, हमने कहा नहीं, यही कह रहे थे बीजेपी खरीद रही है मेरे एमएलए को, बीजेपी खरीद रही है। अरे भाई हर जगह बीजेपी बीजेपी बीजेपी, देखिए इनको दिक्कत किसी से नहीं है, इनको दिक्कत जो है बीजेपी से है। नरेंद्र मोदी जी से है, मोहित कंबोज जो जायकों के साथ है वो कौन है जरा बता दीजिए आप। अरे भाई नहीं सुनिए आप सुनिए, असम में सरकार किसकी है, असम में किसकी सरकार है? असम में सरकार है बीजेपी की सरकार है, और गुवाहाटी मतलब आप समझिए शिवसेना की आंतरिक लड़ाई है, और लड़ने के लिए कहाँ गए हैं भाई, सुन तो लिया कीजिए अवधेश जी, लड़ने के लिए कहाँ गए हैं शिवसैनिक बताइए, आधी शिवसेना गुवाहाटी में है और आधी महाराष्ट्र में मुंबई में। अच्छा एक बात बताइए, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे हम तो घूमने आए हैं, घूमने जा रहे हैं, उन्हें बीजेपी का नाम कहाँ से आया गया, बीजेपी ने बुलाए हैं जी। ओहो बताइए आप, उन्होंने खुद कहा है, अपने मुंह से कहा है, सारे मीडिया के सामने कहा है कि हम घूमने आए हैं यहाँ पर, और आपने आपने भरोसा, आपने जो भरोसा कर लिया उसका भी गजब, आपने जो भरोसा किया उसका भी गजब। ठीक है राजा रिजवी जी, देखिए आप ये बिल्कुल बीजेपी का इसमें कुछ नहीं है जैसा अवधेश उपाध्याय जी कह रहे हैं, ये तो कहीं घूमने गए हैं वहीं से कुछ कह रहे हैं वो एकनाथ शिंदे। अरे तो घूमने के लिए राजस्थान भी जा सकते थे, कौन दिक्कत थी कि असम में जाए। हाँ घूमने के लिए तो आजकल मौसम अच्छा है, वहाँ चले जाते जो है, कोई गर्मी होती है तो कहाँ जाते हो, वैसे गर्मी हो रखी है राजस्थान में रिजवी साहब। नहीं देखिए देखिए सियासी सियासी मौसम देखना पड़ता है, सियासी मौसम देखना पड़ता है राजा रिजवी जी, सियासी मौसम देखना पड़ता है। ये आपने सही कहा कि सियासी मौसम देखना पड़ता है, लेकिन इसी में फर्नांडीज जो है वो चीफ मिनिस्टर की शपथ ले चुके हैं, उनके साथ जो है एनसीपी के परिवार डिप्टी सीएम बने थे पवार साहब, और कितने दिन के चीफ मिनिस्टर थे सबको पता है, और फिर वही जाके डिप्टी सीएम कहाँ बन गए पवार, आप समझिए कहाँ पहुंच गए। तो ये राजनीति है, ये कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं सकता, कौन शपथ ले कौन शपथ से हटे। लेकिन शुरुआती दौर में तो क्या लगता है राजा रिजवी जी, क्या लगता है कि महाराष्ट्र में खेला हो जाएगा या ये जो भावुक सा संबोधन है? हमें लगता है सच्चाई ये है कि खेला बहुत टफ है दोनों तरफ से, इधर से भी टफ है उधर से भी टफ है, क्योंकि जो अभी मार्मिक स्पीच आ गई उसकी कि मैं बीमार था एक महीना इसलिए मैं अपने विधायकों से नहीं मिल पाया, और मैं तो ये नहीं समझ पाता हूँ एकनाथ शिंदे जो है आदित्य ठाकरे के साथ अयोध्या भी आए थे, साथ है साथ थे, दर्शन किए सब पूरा आराम से समझिए, वहां गए भगवान श्री राम के स्थान का दर्शन किए, हनुमानगढ़ी का दर्शन किए, सब दर्शन किए, पूरा माला पहने सब पहने वहां साथ ही साथ। लेकिन उसके बाद अब उनको हिंदुत्व याद आ रहा है, अब तो भाई ठीक है कैसा हिंदुत्व आ रहा है, हम तो कहते हैं शिवसेना तो बेहतरीन चाह सकती है कि भाई चलो हिंदुत्व का नारा तुम दे रहे हो एकनाथ शिंदे, मैंने तो कह दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तुम ही चीफ मिनिस्टर बन जाओ, पंजाब चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ये खेल दे, उदय ठाकरे भी देखिए क्या होता है, भाई चीफ मिनिस्टर हम तुम्हें बनाते हैं, अगर तुम वहां डिप्टी सीएम बन रहे हो चीफ मिनिस्टर बना देते हैं तुम्हें, हिंदुत्व का अगर तुम्हें वो है तो आओ चलो चलो,
देखिए ऐसा है, ये जो चीजें हैं ये अभी इनके पास गणित पूरा नहीं है एकनाथ शिंदे के पास। ये अभी कांग्रेस के जो प्रति थे उन्होंने भी कहा और मैं भी कह रहा हूँ, अगर गणित पूरे होते तो राजनीति में इतनी देर नहीं लगाई जाती है, गुजरात से गुवाहाटी नहीं पहुंचाया जाता, समझे आप, इसलिए कि गुजरात बंबई से करीब था और गुवाहाटी बंबई से दूर है, उसमें टाइम लगता है। हाँ तो ये अभी इनको अभी गिनती पूरी करनी है, जब ये गिनती पूरी कर लेंगे राज्यपाल के पास जाएंगे, कहेंगे साहब हम जो है इतने लोग हैं, इतने लोग हम चले आए, जब ये समझे कि हम एक्सपेल नहीं हो रहे, यानी हम विधायकी से पदच्युत नहीं किए जा रहे हैं, हटाए नहीं जा रहे हैं, जब इनकी गिनती पूरी हो जाएगी तब ये राज्यपाल के पास जाएंगे, एकनाथ शिंदे नहीं जाएंगे, अपना विधायकी ढाई साल के लिए अपने लोग बर्बाद नहीं करेंगे वो, क्योंकि जो विधायक एक बार बनता है वो जरूरी नहीं दोबारा जीत के आओ है। बहुत अच्छे अच्छे विधायक उत्तर प्रदेश में नामचीन नहीं जीत के आए हैं, आप समझिए। तो ये नहीं है कि जो गए हैं वो 36 तो वो सब जीत के फिर चले आएंगे, तो इसलिए वो ढाई साल से जी शिवसेना भी अपने बेस पर जीत कर नहीं आई थी, वो किसी और के नाम पर वोट मिले थे शिवसेना को। ये सही है कि शिवसेना और बीजेपी साथ में लड़ी थी और साथ में लड़के 105 सीट भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी को ही जीतने के बाद मुख्यमंत्री उसका बनना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने शिवसेना के लोगों ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी की समझदारी होती तो कहता ढाई साल तुम रहो ढाई साल हम रहे, लेकिन हमें लगता है कि इस पे तैयार नहीं हुए शिवसेना वाले ढाई ढाई साल, लेकिन अवधेश पूरा चाहते थे अवधेश पूरा हम रहेंगे। अवधेश उपाध्याय जी ये भी कह रहे हैं कि चुनौती देते हैं आपको जीत के आ जाए शिवसेना से तुम्हारा से। अवधेश जी क्या चुनौती दे रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये चुनौती दे रहा हूँ, देखिए जो पृष्ठभूमि पे अगर जाए हम शिवसेना की, तो चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो जो पहला नंबर पे जो वोट मिला था वो बीजेपी के नाम पे वोट मिला था महाराष्ट्र में, बीजेपी का कोई आधार नहीं है। मैं बता रहा हूँ मैं आ रहा हूँ उसी बात पे। यदि आज अभी रिजवी साहब जो बात कह रहे थे कि अगर जो विधायक है वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे, मैं ये गारंटी देता हूँ, लिख लेना, रिटर्न पे दे सकता हूँ ये वाली बात, आप नोट कर लेना ये अपने चैनल पर। यदि अब चुनाव हो और ये उद्धव ठाकरे लड़े अपने मतलब इंडिविजुअली शिवसेना से, जितनी सीटें आई है ना उससे ये लगाइए कि अब ये तो आप बोल रहे हैं रिकॉर्ड हो ही रहा है, अब क्या स्क्रीन पे लिख दूं नहीं, क्या मैं बता रहा हूं, मैं नहीं बोल रही है, ये महाराष्ट्र की जनता बोल रही है जिसने इनका पूरा जो अत्याचार देखा, साधुओं की हत्या हुई, सरेआम हत्या हुई, प्रशासन ने कुछ नहीं किया, एक महिला का घर तोड़ा गया, किसी ने कुछ नहीं किया, एक बेकसूर पत्रकार को जेल में डाला गया, महिला का नाम, महिला का नाम तो बता दीजिए, अरे महिला का नाम कंगना रनौत है, सब जानते हैं, हॉलीवुड एक्टर, उन्हें खुद कहा था कि जिसने मेरा घर तोड़ा एक उनका घमंड टूटेगा। और चौथी बात यह है कि अभी सरकार दरबार में हाजिरी देंगे, सरकार को पैगाम पहुंचाएंगे। सरकार हाजी अली एक ऐसी हस्ती है जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग यकीनत से जाते हैं, भाव मखदूम पे जाते हैं और सरकार गरीब नवाज पे जाते हैं। तो आज ये चादर पंडित जी ने मुलाकात की, ये चादर को हमने उनको दिया, उन्होंने हाथ लगाया, सिद्धर को छू कर आज दरबार पे ले जा रहा हूँ। एकनाथ शिंदे बैक टू बैक ट्वीट कर देखिए के ये तो उनका इंटरनल मामला है। एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के एक दिग्गज एक बड़े नेता है, मेरा मैं समझता पारिवारिक उनका संबंध रहा, शाबिर भाई के टाइम से थाना से हमारा रिश्ता रहा। एकनाथ शिंदे जी ने जो आज निर्णय लिया ये कुछ साल पहले मेरे साथ में भी हुआ और वो सारी चीज हम जब अवधेश जी देखिए लगातार महाराष्ट्र में हलचल बढ़ रही है, लेकिन आपके हाथ में और आपके हक में फैसला नज़र नहीं आ रहा है अभी। मैं आऊँगा आपके पास रत्नाकर जी, रत्नाकर जी सीटी है बीच में, बीजेपी का कहीं कोई हाथ नहीं है, दूर तक हाथ नहीं है, आपका तो कमल है, फिर मैं कह रहा हूं आपका तो ऑपरेशन लोटस है भाई, हाथ तो इनका है, दूसरे घर में झांकने की आदत बीजेपी की नहीं है। रत्नाकर जी
देखिए ये तो बिल्कुल अलग बता रहे हैं अपने आप को। ये तो दूर से धुले होते हैं ना, ये तो कुछ करते ही नहीं। जो वो एक कहा गया ना कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। माननीय शरद पवार साहब येऊन गेल्या, सुप्रियाताई, जयंतराव, आता नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, अशोकराव चव्हाण, हे सगळे आता आतमध्ये आहेत। मुख्यमंत्री आता वर्षा बंगल्यातून मातोश्रीवर राहण्यासाठी निघालेले आहेत। मोह माया सत्ता याचा आम्हाला अजिबात लोभ नाही। आम्ही लढणारे लोक आहोत, आम्ही लढत राहू आणि शेवटी सत्याचा विजय होईल अशा प्रकारची भूमिका आहे। दोन्ही पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी येऊन महाविकास आघाडीला रत्नाकर जी, देखिए संजय राऊत कह रहे हैं सत्य की जीत होगी, शिवसेना लड़ सकता है, अड़ सकता है, डट सकता है। रत्नाकर जी, मोदी जी के लिए कह रहे थे लोग मन का मोदी लगता है अवतार है मोदी। मैं बोलूं भाई महाराष्ट्र की राजनीति बात कर ले। हाँ मैं बोलूं पिटू जी, देखिए कंगना रावत की बात कर रहे हैं। कंगना रावत जो है उन्होंने किस प्रकार अवैध जो है निर्माण किया था अपने घर के सामने, तो उसको उसको खाली खर्चा गिराने का काम किया, कहीं पे किसी का घर गिराने का काम नहीं किया गया। और भारतीय जनता पार्टी वो अलग बात है कि उनको बाद में उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा जो है प्रदान करती है कि आप सुरक्षित रहिए, आपको महाविकास आघाड़ी सरकार से बहुत खतरा है। तो ये इसकी पक्षपात असा कोणता सल्ला दिला नाही, किंबहुना ही लढाई आपण शेवटपर्यंत लढायची अशा प्रकारचं भूमिका माननीय शरद पवार साहेबांनी घेतलेली आहे। थँक्यू सर, थँक्यू सर, सीएम इस्तीफा नाही दे रहे, नाही दे, थँक्यू सर। बिल्कुल रत्नाकर जी, अभी इस्तीफे की खबरों से साफ मना किया जा रहा है, इस्तीफे की खबरें अभी नहीं आ रही है इस समय। संजय राउत बोल रहे थे लड़ाई आगे बढ़ेगी, लड़ने के लिए शिवसेना तैयार है। रत्नाकर जी जी, और आपके लिए अच्छी खबर है ये? अरे बिल्कुल, देखिए त्रिशूल जी, मैं पहले भी अपना शुरुआती स्टेटमेंट में भी बहुत ही आत्मविश्वास के साथ मैंने कहा है कि ये देखिए, ये अगर जिस दिन ये वापिस आ गए मुंबई, ये गुवाहाटी से जिस दिन वापिस आ गए मुंबई, उस दिन आप देखिएगा कि ये पूरा सिनेरियो ये पूरी तरह से बदल जाएगा। जो आज लोग सोच रहे हैं कि ये सरकार गिरेगी, ये सरकार नहीं गिरेगी, वो जो विधायक वहां पे गए हैं यहाँ पे, वो देखिए क्या है त्रिशूल जी, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से लॉजिक का हनीमून मनाने गए हैं वो। अरे आप इस तरह की बातें चैनल पर बैठ के मत करिए, मर्यादा बनाए रखिए आप, बीजेपी में हो गया और इस तरह की भाषा, ये क्या बात है? नहीं 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 नहीं, ये गलत बिल्कुल, वो घूमने गए हैं। नहीं नहीं, आप आपका ये जो शब्द है ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं। चरित्र नहीं नहीं नहीं, अवधेश जी ये आप बिल्कुल, आप शाब्दिक शाब्दिक भाषा बिल्कुल शाब्दिक मर्यादा बनाए रखिए, इस तरह से नहीं आप। हाँ रत्नाकर जी जी, त्रिशूल जी देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार जो दो विधायक वहां से भाग के किसी तरह से पानी में भीग भीग के चार चार घंटे छह छह घंटे पैदल चल के आए हैं, उन विधायकों ने कहा कि किस प्रकार इनको जो है बरगलाकर और जो है सूरत में ले गया गया और बोला गया कि हम जो है कहीं दर्शन करने जा रहे हैं, कोई धर्म का काम है उसमें जा रहे हैं, तो इस तरह से बहला फुसला के ले गया गया और वहां पे चाक चौबा जी बंदोबस्त किया गया। देखा आपने गुजरात पुलिस ने किसको आने दे रही थी ना जाने दे रही थी, सबके फोन स्विच ऑफ मिल रहे थे। तो उसके बाद ये जो है इनको लगा कि नहीं सूरत जो है सूरत में कुछ हो सकता है, अगर मतलब रीचेबल है, ये बहुत इजीली रीचेबल है, तो 2600 किलोमीटर यहाँ से दूर वो गुवाहाटी में लेकर चले गए ताकि यहाँ के नेता उनसे जाकर मिल नहीं पाए। जैसे ही वो वहाँ से यहाँ पे आएंगे, देखिएगा त्रिशूल जी, सारा सिनेरियो एकदम से बदल जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, जब हम किसी के घर में जाते हैं ना दूसरे के घर में, तो वहाँ पे एक मेहमान की तरह उस घर में आपको रत्नाकर जी ट्वीट किया है, शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया है कि पार्टी के अस्तित्व के लिए अप्राकृतिक गठबंधन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, ये ट्वीट आया है। देखिए ये अगर इनके
प्राकृतिक गठबंधन से बाहर निकलना है, मतलब ये 2.5 साल पहले इनको नहीं याद आया क्या? अभी याद आ रहा है? तब जब ये कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनना है, तब याद आ रहा है क्या इनको? अरे ये स्वार्थी लोग हैं, इनको क्या है, ये एक मंशा पाले हुए हैं और किस तरह जो है देखो आपको गठबंधन वाले को स्वार्थी कह रहे हैं, पहले तो सरकार बनाई उनके साथ, अब उनके स्वार्थी कह रहे हैं, ये गलत बात है। देखिए अरे मेरी बात आपको पूरा समय आपकी बौद्धिक क्षमता आपकी बौद्धिक क्षमता आपके बौद्धिक क्षमता पे मुझे जाते उपाध्याय जी जरा सुनिए, बातों को सुनिए और जरा आपकी बौद्धिक क्षमता पे कितना मुझे बहुत शक है। जो आपके भाषा जिन्होंने आपको सत्ता दी पूरी महाराज की सत्ता दी कार्यवाल। अरे ये क्या बोलते हैं त्रिशूल जी, जो देखिए कुछ बातें ऐसी करनी पड़ती है गंभीरता पूर्ण जिनका जवाब दर्शक को और दुनिया को और देश को समझ में आए। आप ये जो बात कर रहे हैं ना गोलमोल, कोई ऐसी मजबूत बात कीजिए जो समझ में आए लोगों को। बीजेपी का हाथ नहीं है, बीजेपी को लेना देना नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? कल मुख्यमंत्री बन रहे होंगे, परसों बन रहे होंगे, तब क्या कहेंगे बताइए जरा। देखिए भारतीय जनता पार्टी आप बीजेपी बीजेपी में क्यों नहीं करूं? मध्य प्रदेश में क्या किया था आपने? चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त करके सुन लीजिए अरे भाई सुन लो शांति रखो सुन लो जी। मध्य प्रदेश कहते हुए अरे तो गरीबों को लाते हैं, अरे तो गरीब बना के रखिए वाली बात कैसे कैसे लोगों में आते हैं। अरे बात सही कहोगे तो उसका समर्थन क्या आएगा? अध्यक्ष उपाध्याय जी देखिए सबको समझ में आना चाहिए, सुन लीजिए। रत्नाकर जी अपनी बात रखिए। देखिए त्रिशूल जी मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कहना चाहूंगा कि महाविकास आघाड़ी सरकार जो है एकजुट है और एक साथ खड़ी है। सारे जितने भी नेतागण हैं इनकी आपस में मीटिंग भी हुई है, हमारे कमलनाथ जी भी आए थे मध्य प्रदेश से, उनको पर्यवेक्षक बनाया गया था, वो सारे लोगों ने एक दूसरे से मीटिंग किया, पवार जी से मीटिंग हुआ और सारे गट के नेताओं के साथ मीटिंग हुआ है, कहीं पे सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं। रही बात ये बागी विधायकों की, तो ये कहीं ना कहीं बागी विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आकर के, या कह लीजिए कहीं पे जो ये खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं और नोट तंत्र के माध्यम से लोगों को बरगलाते हैं, तो इस तरह का इनका हाथ है। और सब लोगों ने देखा है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण भी उसमें मौजूद है और गुजरात में भी देखने को मिला कि जो होटल में रहे वहाँ। रत्नाकर जी संजय राउत का बयान आया है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है और रहेंगे, फ्लोर टेस्ट करने का मौका मिला तो बहुमत साबित करके भी बताएंगे, संजय राउत का बयान आया है अभी। देखिए त्रिशूल जी वही मैं कह रहा हूँ कि 169 विधायक है हमारे पास महाविकास आघाड़ी की सरकार में, अगर 169 में 144 विधायक को चाहिए पूर्ण बहुमत साबित करने के, तो संख्या बल आज भी हमारे साथ है और कितना कितना डिफरेंस है ये मैं बता रहा हूँ आपको। मुश्किल ये जिस दिन मुंबई आ गए 10 विधायक भी इनके साथ नहीं रहेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस दिन मुंबई आएंगे वो कहीं ना कहीं तो दबाव है वहाँ पे, इसलिए हुए वहाँ पे ये फिर घटना का ये नाटकीय घटनाक्रम क्यों हुआ है राजा रजवी जी? ये नाटकीय घटनाक्रम क्यों हुआ है? समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से बता दीजिए। नाटकीय घटनाक्रम जो इसलिए भी है कि अभी राष्ट्रपति का भी चुनाव है। बिल्कुल
बिल्कुल आपने बहुत बहुत वाजिब और सही बात कह दी। समय समाप्त हो रहा है। आदेश उपाध्याय जी, रत्नाकर सिंह जी, राजा रजवी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं इस नाटकीय घटनाक्रम के पीछे ऐसा कुछ है जो महाराष्ट्र की सत्ता प्राप्त करना नहीं है, बाकी कुछ और है, लेकिन ये वक्त के साथ समझ में आएगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ातरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज़।